नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। कोरोना वायरस संक्रमण में बचाव, फसल कटाई में कोविड 19 के खतरे से दूर करने के संबंधी दिए निर्देश। जिला कलेक्टर श्री प्रकाश एम नकाते ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल कटाई कार्य से कोविड 19 के खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फसल कटाई यथासंभव मशीन चलित उपकरणों से ही की जाए। हस्तचालित कटाई उपकरण काम में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से कीटाणु रहित करें। फसल कटाई में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना की जाए। खेत में फसल काटते खाना खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जाए। खाने के बर्तन अलग अलग रखें तथा प्रयोग के पश्चात साबुन के पानी से अच्छी तरह से साफ करें। नकाते ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक व्यक्ति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरणों को दूसरा व्यक्ति कदापि काम में न लें। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने उपकरण ही काम में लें। कटाई के दौरान बीच में अपने हाथों को साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करते रहें। कटाई कार्य अवधि में पहले दिन पहले कपड़े दूसरे दिन काम में न लें। काम में लिए कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाएं के पश्चात पुनः काम में लें। कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अलग अलग पानी की बोतल रखें। माचक का प्रयोग करें। किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सरदर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो तत्काल निकटतम स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी व साबुन उपलब्ध रखें। थ्रेसिंग कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग आदि सभी सावधानियों का पूर्ण गंभीरता से पालन करें।